जी फ्रेंड्स, ये हमारे पास जेसीबी है, ये देख सकते हैं जेसीबी, ये स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, इसको आप क्या करना क्या है ये देखें, ये इसका बैटरी का ये केबन है बैटरी का, ये देखें मैंने खोल लिया, ये मेन स्विच लगा है। ठीक है, ये ऑन होता है इधर, इस तरफ ये ऑन होता है, इस तरफ मतलब के इस तरफ ऑन होता है, ये इस तरफ बंद होता है। ठीक है, ये देखें आगे की तरफ जाएगा तो बंद होगा, ये देखें ये आगे की तरफ जाता है, पीछे आगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ये देखें, अभी मैं बताता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है। ये देखें क्या कर रही है, ये मैं आपको ऊपर लेकर आ गया हूँ, अभी ये स्विच है ये मेरा, ये मैं स्विच लगाता हूँ इधर, आवाज़ आई, स्विच लग गया, लाइटें ऑन हो गई हैं। ठीक है, देखें लाइटें ऑन हो गई, स्विच बंद हो गया, लाइटें ऑन। अभी क्या है ये देखें, घुमाऊँगा चाबी, ये क्या कर रही है देखें, इसमें क्या है बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इसमें बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा है, बैटरी भी इसकी बिल्कुल ठीक है, बैटरी बिल्कुल इसकी ठीक है। इसका जो मेन स्विच है ना, ये जो मेन स्विच है इसका ये शॉर्ट है, इसका जो मेन स्विच है ये वाला मेन स्विच ख़राब है, ये अभी हम चेंज कर देंगे और ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर अभी मैं इसको चेंज करने लगाऊँ। ठीक है, इसका मेन स्विच शॉर्ट है जिस वजह से इसकी जो बैटरी है वो रात खड़े खड़े ये पी जाता है। ठीक है, जिससे भी जो है पी जाती है। ठीक है, तो बैटरी ख़त्म हो जाती है और स्टार्ट नहीं होता ये। ठीक है, इसके अंदर बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, आज ये मैं इसका मसला हल करने लगा हूँ और पार्ट टू में मैं आपको ये मसला हल करके दिखा भी दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।